अगर गंभीर मुद्दे पर हम यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं, आपको उसमें नौटंकी नजर आ रही है। चार अलग अलग पार्टियों के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता यहाँ पर जुड़े हुए हैं सुनील सिंह जी, और आपको लग रहा है कि वो लोग नौटंकी करने यहाँ आ रहे हैं, तो फिर मैं आपकी बुद्धि को क्या ही लूं। मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ प्रभु आपको कि अगर लग रहा है आपको कि टीवी पर बैठकर हम नौटंकी कर रहे हैं। सर, डिबेट हर एक ताजा तरीन मुद्दों पर होती है, जो देश के साथ कंसर्न से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, जिस पर देश चर्चा चाहता है, लोग चाहते हैं इसको देखना, वो चाहते हैं कि क्या हो रहा है आगे। और आप कह रहे हैं सुनील सिंह जी कि नहीं, ये नौटंकी हो रही है, हम चार लोग बैठकर नौटंकी कह रहे हैं। प्रभु आपको प्रणाम करने के अलावा मेरे पास कुछ बचता नहीं है। मंजिंदर सिंह सिरसा साहब, ठीक है जी, सिरसा साहब उनको लग रहा है कि ये पूरी नौटंकी है, ठीक है, ओके, समझ गए मैं आपकी बात। चित्रा जी, मुझे अफसोस इस बात का है, मुझे अफसोस इस बात का है, पहले तो हम इस बात को इतना सीरियसली समझ नहीं पा रहे। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लेने की जरूरत समझी, आप मुझे याद कराइए पिछले 25-30 साल में कब ऐसी सिचुएशन आई हो जब प्रधानमंत्री के कार के लिए उनकी गाड़ियों को आधा घंटा या 10 मिनट या 5 मिनट भी रोकना पड़ा। मैं चित्रा जी आपको याद दिलाऊं, राहुल गांधी के एक प्रोग्राम में राहुल गांधी के कार्यकर्ता ने ही राहुल गांधी की फोटो खींचते हुए ही राहुल गांधी के ऊपर एक लाइट डाल दी, देश के अंदर हाहाकार मचा दी, गांधी परिवार को खतरा, राहुल की जान को खतरा, बीजेपी राहुल को मरवाना चाहती, आपको याद है वो घटनाक्रम? एक लाइट, बीजेपी के नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने लाइट। लेकिन यहाँ देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की अगर बात आती है, हम उनको बाकी चीजों की बजाय हमें ये कहना चाहिए, ये लड़ाई हमारी पाकिस्तान के साथ भी है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, और जिस तरीके से आज नवजोत सिंह सिद्धू के आपने बयान सुने होंगे, वो पाकिस्तान को जिस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को हमेशा संबोधित करते हैं, उनके प्रति जैसे अल्फाज बोलते हैं, और ऐसे जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को आज उसने संबोधित किया, इतनी घिन, इतनी तकलीफ, इतनी नफरत। और कभी प्रधानमंत्री पाकिस्तान की बात करनी हो तो इमरान खान जी मेरे भाई, मेरे सब कुछ। तो इससे एक बात बड़ी स्पष्ट आती है कि कांग्रेस इस चीज की सीरियसनेस को नहीं समझ रही। पर मुझे अफसोस इस बात का है कि जो बाकी पार्टियां भी आज कर रही हैं, चाहे समाजवादी पार्टी है, मैं समझना चाह रहा हूं कि इलेक्शन कैसे रह जाती है सुरक्षा के ऊपर। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, पाकिस्तान बॉर्डर पर है, इससे यूपी की इलेक्शन का क्या मतलब है? एक बात। दूसरी बात, आप डरते हैं क्या? आप क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा पे बात इसलिए ना हो क्योंकि यूपी में चुनाव है? आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अगर चूक हुई तो हम चाहते हैं कि एसजीपी उसमें बात ही ना करे, क्योंकि आपके अखिलेश जी चुनाव लड़ना चाहते हैं, देखिए गलत कर रहे हैं। सुनील जी, असल मुद्दों से देश को ना भटकाया जाए। सुनील जी, मेरे बीच देश के किसान हालत पे हैं, उस पर डरते हैं सुनील सिंह जी आप? हमने तो पहले ही प्रधानमंत्री पर यूपी में चर्चा हो जाएगी तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए चुनाव में? चित्रा जी, देखिए ये सिरसा साहब का कहना गलत है, सिरसा साहब का कहना गलत है कि नहीं हुआ। सिरसा साहब, एक मिनट, आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ। लंका गेट पर 22 सितंबर 2017 वाराणसी पर यौन उत्पीड़न के मामले में वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय की लड़कियों ने काले झंडे दिखाए, रोका, तब प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा कि मैं जिंदा लौट आया। 2 फरवरी 2019 पश्चिम बंगाल में रैली छोड़कर जाना पड़ा प्रधानमंत्री जी को, भीड़ दौड़ पड़ी उनके मंच की तरफ, प्रधानमंत्री ने कहा ये तो जनता का प्यार है। और 2 अक्टूबर 1986 के दिन राजीव गांधी जी के कार्यक्रम में, महात्मा गांधी जी के कार्यक्रम स्थल पर गोलीबारी हुई, राजीव गांधी जी ने नहीं शिकायत की कि जान पर मेरी हमला किया, मनमोहन सिंह जी के अहमदाबाद में रैली पर हमला किया भाषण देते वक्त, मनमोहन सिंह ने नहीं कहा कि मोदी पार्टी मेरी मुझे मारना चाहिए, राहुल गांधी जी राजीव गांधी चला चला कर कहा उनमें से 50 लोगों पर किया गया था जी के, अरे आप झूठ बोल रहे हो, हमने किया राजघाट के ऊपर, बाद में 50 लोगों को पंजाब से उठाकर लेके आए थे, हमने ये नहीं, झूठ बोल रहे हो, नरेंद्र मोदी राजीव गांधी के ऊपर, जब राजघाट के ऊपर एक पेड़ के ऊपर